ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार में आज आपका स्वागत है। दोस्तों, ह्यूंडई की जो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV आ रही है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर करने के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। दोस्तों, ह्यूंडई की तरफ से स्केचेस लॉन्च किए गए हैं, रिवील किए गए हैं इनकी जो अपकमिंग कार है उसकी डेट, एक्सपेक्टेड लॉन्च, ये हम आपको थोड़ी डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जो स्केचेस हैं इनको देख के लगता है कि ये गाड़ी बड़ी एग्रेसिव होगी, देखने में बोल्ड लुक आ रही है इसकी। फ्रंट से शुरू करते हैं दोस्तों। फ्रंट में अब इसका स्टांस अगर देखें तो कुछ कुछ जो लाइट्स का जो पोजिशनिंग रखी गई है वो कुछ मिलता है जो आने वाले हेक्टर है या जो टाटा की तरफ से हैरी लॉन्च की गई है वैसी ही लगती है। यानी कि देखने में इसके उसके LED DRL फ्रंट पे थे ऊपर और नीचे उसके हेडलैम्प थे, लेकिन इसके अंदर डुअल टोनमिया दो जगह के ऊपर इसके हेडलैम्प होंगे। एक तो फ्रंट ऊपर जो उसके स्लीक सी पट्टी के अंदर हमें एक हेडलैम्प नजर आ रहे हैं, नीचे फिर एक प्रोजेक्टेड हेडलैम्प नजर आ रहे हैं और LED जो DRL हैं वो स्क्यूरिश टाइप में उसकी साइडों में सराउंडिंग उसके एक आईब्रो टाइप बनाती हुई नजर आ रही है। ग्रिल जो इसकी हुंडई की चल रही है कैस्केडिंग ग्रिल, उसके अंदर इसको बड़ा सा बोल्ड लुक देने की कोशिश की गई है और स्क्वेरिश इसका डिजाइन रखा गया है। बोनट के ऊपर जो स्लीक लाइंस है उसको स्पोर्टी फील कराने की कोशिश की गई है गाड़ी की तरफ, गाड़ी को कंपनी की तरफ से। बम्पर इसका थोड़ा नीचे अगर आए तो हेडलैम्प के साथ नीचे फोक लैम्प की जगह भी है, वो भी थोड़े अच्छे स्टाइलिश तरीके में देखने में सुंदर लग रही है। और अगर दोस्तों इसके फ्रंट ग्लास को देखें तो वो भी स्क्वेरिश फील दे रहा है, प्रॉपर SUV की फील देने की इसको पूरी कोशिश की गई है बॉडी को। अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल देखें तो फ्रंट के साथ मर्ज होती हुई साइड प्रोफाइल इसकी जा रही है, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई, दो लाइंस जा रही हैं जिसके अंदर सारी प्रोफाइल मर्ज हो रही है, जो देखने में सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है देखने में, रोड प्रेजेंस मेरे हिसाब से बहुत अच्छी आएगी। वहीं पर अगर टायर की बात करूं तो टायर दोस्तों ऐसे तो नहीं आएंगे, टायर चेंज होंगे इसके, अलॉयज चेंज होंगे, डिजाइन चेंज होगा अलॉयज का, थोड़ा बहुत इससे मिलता हो तो बड़ी बात नहीं है कि डुअल टोन में ये नजर आ रहे, डुअल टोन में ही वो भी आएंगे, डायमंड कट होंगे। और अगर इसके व्हील आर्चेस की बात करूं तो ये बहुत बोल्ड लग रहे हैं, बहुत उभरे हुए नजर आ रहे हैं। मेरे हिसाब से जब गाड़ी हमारे सामने अनवील की जाएगी तो उसके अंदर इतने उभरे हुए नहीं होंगे, थोड़े कम रखे जाएंगे प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से। और अगर दोस्तों अगर मैं इसकी रियर प्रोफाइल देखूं तो कहीं ना कहीं इसमें हमें ग्रैंड आइटन की झलक नजर आती है बैक साइड से। LED टेल लैंप्स होंगे, स्क्वेरिश नजर आ रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। वहीं पे अगर नीचे बम्पर देखें तो बम्पर में भी एक स्लीक सी पट्टी नजर आ रही है, जो कि वही अगर हम ग्रैंड आइटन को ही देखें तो उसी की थोड़ी झलक इसमें देखने को मिल रही है। छत के ऊपर देखें तो रूफ रेल्स नजर आ रही हैं जो देखने में सुंदर लग रही हैं, बहुत प्रॉपर एक SUV की फील देने की कोशिश गाड़ी को जरूर की गई है। और अगर हम इसका सी पिलर देखें तो सी पिलर के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे क्रोम का इस्तेमाल किया जाएगा, जो देखने में अच्छा लग रहा है। गाड़ी की जो एग्रेसिवनेस है या स्पोर्टी फील है उसको जरा और निखार के सामने रखेगा हमारे। और अगर यही बात अगर हम इंटीरियर में देखें तो इंटीरियर में भी डुअल टोन जैसे कि हमें नजर आ रही है, देखने में पता लग रहा है कि ये डुअल टोन में होगी, तो इसके लिए अच्छी चीज है। इसकी जो कलर स्कीम मेरे को लगता है कि जो आएगी लाइट सा चॉकलेट कलर और ग्रे कलर की टोन के अंदर आएगा, जो देखने में अच्छा भी लगेगा SUV के हिसाब से। प्लेन स्लीक और सिंपल रखा गया है सारा डैशबोर्ड, ज्यादा प्ले नहीं किया गया है, यूटिलिटी की सारी जगहें इसके अंदर मौजूद दिख रही हैं। और उसके साथ ही जो इसका जो गियर लीवर हम देख पा रहे हैं वो भी ऑटो गियर के हिसाब से, यानी कि इसमें ऑटो गियर भी गाड़ी ये आएगी। और डुअल क्लच पैडल शिफ्ट के अंदर आएगी जो 1 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा। और दोस्तों इसका जो पॉपअप किया हुआ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले के साथ आएगा। जो इसके डायल्स हैं नीचे वो ऑटो AC के डायल्स हैं और दो डायल साथ में चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो भी स्विचेस या बेल जो भी होंगे इसके वो सारे के सारे हमें राउंड शेप में नजर आएंगे देखने को, चाहे वो ऑटो AC के स्विचेस हैं या कोई और किसी भी तरह के और स्विचेस हैं, वेंट्स की स्पीड है कुछ भी, वो स्विचेस सारे राउंड हैं। देखने में गाड़ी सुंदर लग रही है, फ्रंट अंदर से भी ज्यादा इतना प्ले नहीं किया गया, ठीक लग रहा है देखने में। MID के ज्यादा अनवील नहीं किया गया, वो हमें देखने को मिलेगी 17 अप्रैल को।
तो दोस्तों अगर इस गाड़ी को मैं बोलूं कि इसमें क्या चीज अलग आ रही है, तो इसमें एक तो डिजाइन है और दूसरा इसमें कनेक्टेड गाड़ी ये होगी, जैसे कि एक्टर के बारे में है कि उसमें एक टैब लगाएगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन या सारी कमांड्स आप उसके जरिए दे पाएंगे। कुछ ऐसी ही चीजें इसके अंदर भी होंगी, जिसके अंदर की जियो फेंसिंग और स्पीड अलर्ट, SOS, पैनिक नोटिफिकेशंस, नेविगेशन और कोई ऐसी चीजें जो ब्लू ऐप जो है, ब्लू लिंक जो ऐप है उसके जरिए हम इसको कमांड दे पाएंगे। अब कमांड देने के लिए दोस्तों वॉइस कमांड जरूरत है। वॉइस कमांड जो है इसकी इंडियन एक्सेंट के हिसाब से जो इंग्लिश बोली जाती है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए काफी तरह के एक्सेंट इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, ताकि इंडियन कमांड्स को, इंडियन इंग्लिश कमांड्स को ये अच्छी तरह से समझ सके। जैसे कि कोई THE को दी बोलता है, कोई द बोलता है, तो वो चीजें इसके अंदर, ए अ, इन चीजों को सबको समझने के लिए इसके अंदर थोड़ी सी समझ डाली जा रही है। स्मार्ट इंटेलिजेंट गाड़ी ये होगी। खूबियों के अंदर दोस्तों पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और ऑटो AC, टॉप वेरिएंट के अंदर 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, स्पीड अलर्ट सिस्टम, ये सारी चीजें इसके अंदर शुमार होगी, क्योंकि Hyundai कभी भी अपनी गाड़ी के अंदर कोई भी फीचर देने से चूकता नहीं है। एडवांस फीचर्स इसके अंदर जरूर होते हैं और थोड़ी सी ये प्राइस में भी थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन इस टाइम इनको गाड़ी थोड़ी सी अंडर रखनी पड़ेगी कंपटीशन के, ताकि ज्यादा प्राइस में गाड़ी जाके कंपटीशन से बाहर ना हो जाए। प्राइस की पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। प्राइस मेरे हिसाब से 8.5 लाख रुपए से लेकर 12.5 लाख रुपए एक्स शोरूम दिल्ली होने चाहिए, जिस हिसाब से ये गाड़ी है। अगर मैं इंजन की बात करूं तो 1.4 लीटर के पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन आएंगे, जैसे कि बात हो चुकी मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही आएंगे, और 1.0 लीटर का इसमें पेट्रोल इंजन भी दिया जाएगा जो कि डुअल क्लच ऑटोमेटिक के साथ होगा, जो पैडल शिफ्ट के साथ होगा, वो एक अलग और एक अच्छी चीज है। अब दोस्तों इसकी बात आती है लॉन्च होने की। लॉन्च कब तक होगी गाड़ी ये? दोस्तों लॉन्च बहुत जल्दी होगी गाड़ी ये, 21 मई को ये गाड़ी लॉन्च भी कर दी जाएगी। तो दोस्तों जिनको Hyundai की तरफ से किसी सब 4 मीटर SUV का इंतजार था, वो बहुत जल्दी ही खत्म हो रहा है। 17 तारीख को हम देख पाएंगे, प्रॉपर गाड़ी देख पाएंगे, अभी तो स्केचेस हमारे सामने आए हैं, लेकिन जब हम गाड़ी देख लेंगे तो हम पता लगा पाएंगे कि क्या इसका इंतजार बनता है या नहीं बनता। वैसे Hyundai की गाड़ियां सभी मामलों में खरी भी उतरती हैं। तो दोस्तों बताइएगा ये क्विक वीडियो या क्विक इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी Hyundai Venue के बारे में। पसंद है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद।